जनपद मुरादाबाद में जिला पंचायत चुनाव का मतदान छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। जनपद मुरादाबाद के 8 ब्लॉकों में 875 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां पर 2437 बूथ पर भारी संख्या में पहुंचे ग्रामवासियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र में घुसने से पहले सभी को सैनिटाइज की व्यवस्था कराई गई थी, जिससे सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुरादाबाद जनपद में तीसरे चरण का पंचायत चुनाव का मतदान छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में जनपद के 8 ब्लॉकों के 875 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 2437 बूथों पर संपन्न कराया गया। जनपद मुरादाबाद में जिला पंचायत चुनाव का मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी। शनिवार से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया था और इस बात का निर्देश दिया गया था कि महामारी को ध्यान में रखकर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराने का प्रयास करें। मुरादाबाद जनपद के 8 ब्लॉकों में 875 मतदान केंद्रों पर 2437 बूथ बनाए गए थे, जहां पर 77 अति संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी कैमरे पर ड्रोन कैमरे की निगाह रखी गई थी। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, जिसमें SPRA के साथ 3 ASP, 8 CO, 31 इंस्पेक्टर, 533 सब इंस्पेक्टर, 249 हेड कांस्टेबल, 3509 कांस्टेबल, 4159 होमगार्ड, 25 सेक्शन PSC के साथ 9748 मतदान कर्मियों को मतदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ ही जनपद में 17 जोन को 10 सेक्टरों में बांटा गया था। मुरादाबाद जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर भारी संख्या में पहुंचे सभी मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और गांव की नई सरकार चुनने का प्रयास किया। मतदान केंद्रों पर पहुंचे सभी ग्रामवासी लाइनों में खड़े होकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दिए। सभी ग्रामवासियों का ये कहना था कि इस बार गांव की नई सरकार चुनने के लिए हम लोग काम करेंगे। सभी पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से ही भारी संख्या में ग्रामवासी पहुंच गए थे और वोट करने के लिए पोलिंग बूथों पर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए थे। हम प्रधान को डालना है, BTC को, ग्राम पंचायत को। हम आपका अपने गांव का विकास चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बोलना चाहते हैं। क्या-क्या समस्याएं हैं गांव में? हमारे गांव का विकास होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, जिनके घर मतलब जो परेशानी है उनकी पूरी होनी चाहिए। मकान कच्चे भी हैं, उनके लिए मकान भी मिले। छत मकान कच्चे हैं, उन्हें रहने की परेशानियां हैं, उनके लिए में रहने के लिए मकान बन सकता है, सुविधा हो सकती है। जो गांव के रास्ते हैं वो संभालने चाहिए। मैं अपना वोट इसलिए डालने आया हूँ कि हमारे गाँव में एक तो सड़कें बहुत खराब है और लाइट की बिजली की बहुत परेशानी है यहाँ पे, और पानी की टंकी का पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है घरों में बिल्कुल भी। तो मैं अपना वोट इसलिए डाल रहा हूँ जो भी प्रधान मैंने ये सारी समस्याएं दूर करे। उम्मीद रखते हैं जिनको वोट देंगे वो विकास करेंगे हमारा और हमारे कार्य सही करेंगे। हम वोट देने आए हैं जिला पंचायत सदस्य को, ग्राम प्रधान को और BDC मेम्बर को और एक सदस्य को। जी, समस्या वही समस्या है रास्तों की, नाली की और बहुत कई सारी समस्या है। जैसे इसकी स्कूल की पढ़ाई होगी बच्चों की समस्या है, ये नहीं हो पा रही है अभी हल। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जो सरकारी स्कूल है उनमें पढ़ाई होती नहीं ढंग से, कोई टीचर नहीं आ पाते सही वाले। तो यही समस्याएं दूर होनी चाहिए हमारी। हमारा जो मेन मुद्दा है विकास को लेकर है कि गांव का विकास हो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से, और जो भी प्रत्याशी चुने वो गांव का विकास करे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। विकास हो गांव का, गांव की शिक्षा की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जो भी हैं जो मुद्दा है वो सब विकास से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त हो, जो भ्रष्टाचार होता आ रहा है या उसकी बिल्कुल शून्य हो, यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हर व्यक्ति का जन जन तक विकास होना चाहिए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सभी से अपील कर रहे थे कि आप कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। पुलिस लगातार सभी को शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए काम करती हुई दिखाई दे रही थी, मगर इसके बावजूद भी कई पोलिंग बूथों पर काफी भीड़ शारीरिक दूरी का पालन करती हुई नहीं दिखाई दी। सभी लोग भारी संख्या में एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और अपने समय का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। मुरादाबाद के 8 ब्लॉक के सभी गांवों में सुबह से ही ग्रामवासी वोट का इस्तेमाल करने के लिए दिखाई दिए। कुल मिलाकर मुरादाबाद जनपद में छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया। अच्छा, ना तो ना चुनाव शांतिपूर्वक चल रहा है? शांतिपूर्वक चल रहा है, 7 बजे शुरू आरम्भ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी है? जी मेरी सेक्टर में स्टेट में है, मेरे 23 में 22 में। तो क्या भाई चुनाव चालू हो गया था? 7 बजे ठीक 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। सही चल रहा है? हाँ सही।